प्रभु, हनुमान एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में फंस गए। नारद जी उनकी सहायता कर रहे हैं या फिर उन्हें संकट में डाल रहे हैं? हमारा भी यही प्रश्न है देवी। महाराज, मेरे पास जितना भी ज्ञान है उसका मैं प्रयोग कर चुका हूं। यदि और कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो मुझे छोड़कर मत जाना अंजना। धन्वंतरी जी और हनुमान दोनों शीघ्र आएंगे, बस वो आते ही होंगे। अंजना मुझे छोड़कर मत जाना अंजना। आपको आपको मेरी सौगंध है, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता अंजना। महाराज, मैं अपने गुरुवर के पास होकर आता हूं, कदाचित उनके पास मुझसे उत्तम कोई और औषधि हो। राजवीर जी, तो आप शीघ्र जाइए और उपचार लेकर आइए। जी महाराज। आप दोनों को मेरा जीवन बचाने के लिए कोटी कोटी प्रणाम। मैं आप दोनों का ऋणी हो गया हूँ। आप बताइए कि मैं आप दोनों का ये उपकार कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। हमारी भूख मिटाकर मैं आपकी भूख कैसे शांत कर सकता हूँ? मेरे पास तो आप दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। तेरी ये मांसल दे जो है ना, यही तो मुझे चाहिए। यदि आपको मेरे देह का मान भक्षण करना है तो मैं तैयार हूँ, किंतु मैं अभी एक विशेष प्रयोजन से जा रहा हूँ। मेरा तो कार्य समाप्त होते ही मैं स्वयं आपके संतुष्टि हेतु आपके समक्ष आ जाऊंगा। अभी मुझे जाने दीजिए। जाने दे। हाँ, मैं वचन देता हूँ। यदि ऐसा है तो तू 10 गज आगे चल कर दिखा। यदि तू चल पाया तो हम तुझे छोड़ देंगे, किंतु तू 10 गज नहीं चल पाया तो तुझे हमारा ग्रास बनना होगा। आप चिंतित ना, हनुमान स्वयं इतने बलशाली हैं कि वो हर विपदा से निपट सकते हैं। मैंने कहा था ना मुझे जाने दीजिए। तो जाकर दिखा ना। भी नहीं लगता, किंतु ये बालक बड़ा ही अद्भुत लगता है। इसे किसी और युक्ति से भोजन बनाना होगा। कैसे? वही तो मैं सोच रही हूं। यदि हम इस पे अनायास प्रहारों का प्रयोग करें तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
कर सकते हैं? इसका इस पर प्रभाव क्यों नहीं हुआ? शक्ति चली गई दीदी, इस बालक को समाप्त कर दो दीदी, समाप्त कर दो इस बालक को दीदी। मैं अभी इसकी सांस रोक करके इसे समाप्त कर दूंगी। आ, आ, नहीं बचेगा बालक तू मेरी चोटी से, नहीं बचेगा। हमारे प्रहारों से कोई भी नहीं बच सका, पर आप पर हमारे किसी भी प्रहारों का असर क्यों नहीं हुआ? कौन है आप? मेरा नाम हनुमान है माता, मैं सुमेरु महाराज केसरी का पुत्र हूँ। अपनी माता के जीवन रक्षा हेतु कांवड़ लेकर गौमुख की यात्रा पर निकला हूँ। प्रभु शिव के जीवन दयनीय अवस्थी निर्दोष पौ गंगा के गौमुख पर किसी स्थान पर रुकती है, वही लेने में निकला हूँ। ओ, आप शिव यात्रा पर हो? यही है वो। आप दोनों क्या कह रही है माताओं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हे बालक, हमें क्षमा कर देना, आप हमारे कष्टों के निवारण के लिए हमारे पास आए हैं और हमने आप ही को समाप्त करके पाप करने का दुस्साहस किया है। आपके कष्टों का निवारण मैं समझा नहीं माते। मैं बताती हूँ हनुमान, मेरा नाम अरुंधति था और मेरी बहन का नाम है रत्नगर्भा। हम दोनों बहनें रित देश के चंद्रकला ग्राम में अपने पिता जयपाल के साथ रहते थे। आप दोनों की विवाह की वार्ता चल रही थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ जिसके कारण आप दोनों को एक कष्ट भोगना पड़ा? हमारा विवाह ही हमारी इस स्थिति का जनक है हनुमान। कैसे? हमारे पिताजी के मित्र नगर सेठ धन्ना अपने दोनों पुत्रों के साथ हमारे घर आए। तो क्या आपको ये रूप अधिक सुंदर बनाने के कारण हुआ? इनकी सुंदरता तो मन में होती है, वही सुंदरता का कोई मोल नहीं है। जो लोग दैहिक सुंदरता या चर्म के रंग पर किसी में भेद करते हैं, वो नीच लोगों की श्रेणी में आते हैं। किंतु ये बात तो हमें तब समझ ही नहीं आई हनुमान। हम बस सर्व सुंदरी बनने के लिए तत्पर थे, इसीलिए हम दोनों बहनें एक आश्रम पहुंची। तो जब आप स्वर चली गई थी और वहाँ पर अप्सरा बन गई थी, फिर आप लोगों की ऐसी दशा कैसे हुई? सफल हो जाना एक बात है हनुमान, और सफलता को अपने मस्तक पर सवार ना होने देना दूसरी। अप्सरा बनकर हम दोनों को लगने लगा कि जैसे हमने सब कुछ पा लिया है, और हम दोनों बहुत ही क्रूर होने लगे हैं। बात बात पर क्रोध करना और बात बात पर किसी को भी सताना हमारी एक क्रीड़ा बन गई थी। फिर एक दिन हमें उन दो पुरुषों की याद आई जिन्होंने हमसे विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। हम उन दोनों से अपने तिरस्कार का बदला लेने निकल गई। बहन, हमने देवराज इंद्र को प्रसन्न करके अप्सरा पद प्राप्त कर लिया है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं हैं कि पृथ्वीवासी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
हाँ दीदी, मैं तो यहाँ इतनी प्रसन्न रहती हूँ ना कि बस पूछो ही मत। किंतु पिताश्री की आत्महत्या का दुख मेरे मन को कचोटता रहता है। वो तो उन दो युवकों के कारण हुआ है। तो क्या हम उन दो युवकों को इसी प्रकार छोड़ देंगे? आज उनके कारण हमारा परिवार बिखर गया है, तो क्या उन्हें उनके करने का दंड नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए, और अवश्य मिलेगा। अरुंधति, तुमने आज हमें याद दिला दिया कि हमारा उद्देश्य क्या था। उन दोनों को नीचा दिखाना और उन दोनों को अपने कदमों में घिरा हुआ देखना। चलो बहन। अप्सराओं। कहो दास। कहाँ जा रही हैं आप दोनों? तुम्हें उससे क्या प्रयोजन? यदि तुम हमारी कक्षा की बुहारी करने आए हो तो करो और जाओ। हमसे प्रश्न करने का अस्तर नहीं है तुम्हारा। जानता हूँ, जानता हूँ अप्सराओं, किंतु ये प्रश्न मेरा नहीं है। देवी सूची के पास से आया है, वो स्वयं आपसे भेंट करना चाहता है। यदि देवी सूची को हमसे भेंट करनी है तो उन्हें हमारे कक्ष में आके हमसे भेंट करनी होगी। हम समय बता देंगे कब उन्हें आना है। तब तक हमारे कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालेगा। किंतु कहा ना तुमसे, शांति से अपना कार्य करो और जाओ। और देवी सूची को मैं क्या कहूँ? कह दो अभी हम भ्रमण पर जा रहे हैं, आने के बाद हम विश्राम करेंगे, उसके उपरांत जब हमारी इच्छा होगी तब उन्हें हमारे कक्ष में आना होगा। ठीक है, चलो बहन। देवी सूची से आज्ञा लेने बिना आपको स्वस्थ नहीं आना चाहिए था। ये तो राज आज्ञा का उल्लंघन हुआ ना? एक नहीं हनुमान, हमने कई अनुचित कार्य किए हैं उस दिन। जैसे? हम स्वर्ग से सीधा उन दोनों युवकों के घर गए जिन्होंने हमारे तिरस्कार किए थे, हमारे पिता को आत्महत्या के लिए विवश किया, और जब हम वहाँ पहुँचे तो क्या बात है? जब हम उन दोनों के घर पहुँचे तो पता चला कि दोनों भाइयों का विवाह हो गया है, और उनकी पत्नियां वो कन्याएं थी जिनसे वो दोनों युवक हमारे घर आने से कुरुप्रेम करते थे। हमें इस बात का बहुत क्रोध आया, और हमारा तिरस्कार उन साधारण रूप वाली दो कन्याओं के कारण हुआ, और हमने उन दोनों की पत्नियों को मार डाला और उन दोनों भाइयों को अपने रूप जाल में फंसाकर पागल कर दिया। फिर जब अपनी संतुष्टि के बाद जब हम स्वर्ग में प्रवेश करने लगे तब देखा हमें नीचा दिखाने वाले आज कैसे हमारे चरणों की धूल खा रहे हैं। दीदी, मैं तो उस विराज कृष्ण को और भी अच्छा पाठ पढ़ाने वाली थी। अच्छा, कैसे? वो दोनों हमारे रूप जाल में मोहित होकर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे ना। मैं तो चाहती थी कि उन दोनों के नेत्रों पर पट्टिकाएं बांधकर उन दोनों को पहाड़ी पर ले जाती, तो वहां से जब प्रतिध्वनि होती ना तो दोनों खड्डे में गिरकर मर जाते। नहीं अरुंधति, उससे बड़ा दंड तूने अब मिला है। दोनों की पत्नियां नहीं रही, जिन स्त्रियों के लिए वो इतने लालायित थे अब वो उन्हें अजन्म नहीं मिलेंगे। तड़प तड़प कर मरेंगे वो दोनों, तड़प तड़प कर। तड़प तड़प करके तुम दोनों के प्राण निकलेंगे अरुंधति और रत्नागर्भा। क्या करके आई हो तुम दोनों? वही जो न्यायचित था। न्यायचित? तुम दोनों ने जो कृत्य किया है वो न्यायचित तो छोड़ो, उसे मानवचित भी सिद्ध नहीं कर सकती हो तुम। न्याय की बात करती हो? मैं तुम दोनों की स्थिति और प्रार्थना पर दया करके तुम्हें अप्सरा का पद दिया था, किंतु तुम दोनों ने अप्सरा के पद का अनुचित लाभ उठाना आरंभ कर दिया। अरे तुम दोनों को तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि अब तुम दोनों साधारण स्त्री नहीं अप्सरा बन चुकी हो।
किंतु तुम दोनों तो स्त्रियों से भी निम्न कोटि की दो ऐसी विध कन्याएं हो जिनके मस्तक पर मात्र अपना प्रतिशोध ही विचरित होता रहता है। आप दोनों ने अपने पद और अपने सम्मान को निम्नतम स्तर तक गिरा दिया है। अप्सरा होकर भी तुम दोनों ने ऐसा कृत्य किया है जो किसी डाकिनी और शाकिनी के जैसा है। इसलिए हे अप्सरा, रत्नागर्भा और अरुंधति, मैं तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित करते हुए डाकिनी और शाकिनी बन जाने का श्राप देता हूं। और इस प्रकार इंद्र ने हमें डाकिनी और शाकिनी बनने का श्राप दे दिया। तब से हम यही हैं। अच्छा, तो जब आपको श्राप दिया गया उसके बाद आपने इंद्रदेव से प्रार्थना की और उन्होंने मेरे विषय में बताया? नहीं हनुमान, तब तो हम दोनों इतने हतप्रभ थे कि हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था, और जब तक हमें कुछ समझ आए तब तक हम स्वर्ग से निष्कासित हो चुके थे और इस वन में आ चुके थे। तो फिर आपके मुक्ति का मार्ग आपको किसने बताया? कोई राम नाम का एक बालक था और जिस पर हमने हमला किया था, किंतु वो बच गया और तब हमें हमारी मुक्ति का रहस्य बताकर गया। और जब तुम्हें जय श्री राम बोलते हुए सुना तो हमें एक पल के लिए लगा कदाचित तुम भी राम के कोई सहयोगी होगे। इसीलिए तो हम पहले भाग गई थी, परंतु राम के अनुसार हमारी मुक्ति शिव यात्रा पर निकलने वाले के द्वारा होने वाली थी। इसीलिए हमने राम के जानकार को ही समाप्त कर खाने का निर्णय कर लिया। सब उनकी लीला है माता। जय श्री राम। वो बालक नहीं, जगत पालन करता है। मेरे राम, वो मेरे प्रभु है। यदि उनका विचार है कि मेरे द्वारा आपकी मुक्ति मिले तो उन्हें पता होगा कि कैसे। अब ठहरे रखिए, मैं उनसे पूछता हूँ। प्रभु, प्रभु आपने मेरे द्वारा इन दो माताओं की मुक्ति के विषय में इन्हें तो बता दिया, किंतु मैं कैसे इनकी मुक्ति का कारक बनूं? मुझे मार्गदर्शन दे प्रभु। प्रभु, इस बार मेरी विनती स्वीकार कर ले। इस बार हनुमान की यात्रा में विघ्न डालने ना ही कोई सर्पाय ना ही कोई जीव। देवी, ये आवश्यक तो नहीं कि वन में केवल यही सद्जीव रहते जिन्हें हनुमान के इस प्रकार वन में रहने से आपत्ति हो सकती है। ऐसा कौन है प्रभु जिसे प्रभु का नाम लेने वाले से आपत्ति हो सकती है? देवी, आपत्ति प्रभु का नाम लेने में नहीं, यदि आपत्ति है तो बिना आज्ञा नाम लेना। आज्ञा लेकर वो कैसे प्रभु? For more updates, log on to Sahara1.in. Like us on Facebook.com/Sahara1TV. Follow us on Twitter.com/Sahara1Media. For more updates, log on to Sahara1.in. Like us on Facebook.com/Sahara1TV. Follow us on Twitter.com/Sahara1Media.